हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वगैरह सब क्लियर है? वीडियो वगैरह अच्छे से दिख रहा है? तो मुझे बताइए, इफ़ यू कैन सी मी वेरी वेल, इफ़ यू कैन हियर मी वेरी वेल, तो फटाफट बताइए और हम इस सेशन में आगे लेकर जाएंगे। गुड इवनिंग किरण देवी, गुड इवनिंग अस्मिता, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग रॉकस्टार। पहली बात, मैं थोड़े पर्सनल पर्सनल चीज़ों में थोड़ी बिजी हो गई थी। आई वॉज ऑन लीव फॉर सम टाइम, मुझे कुछ काम था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं सेशंस नहीं ले पाई। और मैंने देखा था कि ग्रुप में काफ़ी लोग मैसेज वगैरह कर रहे थे कि आप सेशन क्यों नहीं ले रही हैं और क्या इशू हो गए हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं था, इट वॉज जस्ट कुछ पर्सनल चीज़ों को डील करना था, इसीलिए थोड़े क्लासेस ऑफ थे। और उसके साथ साथ मुझे प्लानिंग भी करना था। देखिए, मुझे बिलीव है कि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के तो ठीक से होती नहीं है, राइट? सो एवरी थिंग वॉट एवर यू डू, उसका एक प्रीकर्सर होता है प्लानिंग का। जैसे कि हम अगर एक कोर्स स्टार्ट करते हैं, जैसे ये 100 डेज हमारा प्रिलिम्स कोर्स है, तो मुझे इसे कुछ इस तरीके से करना था कि प्रिलिम्स के पहले आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम मेरा ये मन था कि एक तरीके से जब मैं सेशन शुरू करूं तो सारे टॉपिक्स जो प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स हम एक बार के लिए कवर करें। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा मन ये है कि हम जब इन सेशंस को करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे सेशंस में हम हर उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और उसे एक प्रॉपर तरीके से हम कहेंगे। यस, गुड इवनिंग नूमा आलवी, लड़का लड़की हूँ भाई। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग प्रदीप कुमार, गुड इवनिंग पूनम कुशवाहा, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को शुरू करें। देखो, प्रीवियस लास्ट फ्यू डेज में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ कवर करे थे। जैसे मैंने आपके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, मैंने आपके साथ स्टोन एज जो है वो कवर करा था। जिन लोगों ने स्टोन एज इन इंडिया के क्लासेस को नहीं देखा है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले तो आप लोग स्टोन एज इन इंडिया मेरा नाम टाइप करिएगा, और उसके साथ आपको मिल जाएगा स्टोन एज के जितने भी क्लासेस हमने किए हैं। करीबन मैंने स्टोन एज के ऊपर 2 MCQ क्लासेस किए हैं, ठीक है? सो ये 2 MCQ क्लासेस आप नंबर 1 कवर कर लीजिए, वो आपका सेशन 1 होगा। इसी वजह से आपको ये सेशन सेशन 3 के नाम से दिखाया जा रहा है। ओके, चलिए। ओके, गुड इवनिंग नितिन, गुड इवनिंग गौतम चौधरी, गुड इवनिंग नूमा अलवी। चलिए नाउ, ये दोनों पहली चीज आप करना। अब आज के दिन में हम क्या शुरू करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हम आज जो कवर करेंगे वो होगा इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इसके पहले कि मैं आपको एमसीक्यूज कराऊं, मैं आपको एक टीचिंग फॉर्मेट बताना चाहती हूँ कि आप जब खुद भी पढ़ो तो आप किस तरीके से इसे पढ़ोगे। ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिसिल्यूजन हो जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहले तो मैं उन चीजों को बता दूं जो आपको कवर करना है, ठीक है? पहले इसको ध्यान से लिखो और हो सके तो इसको आप नोट कर लो। आई यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। तो सबसे पहले हम जब इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर आएंगे तो, हाँ भाई यश शाहू, मैं पढ़ाती थी, मैं लीव पे थी इसलिए दीपेश सर ले रहे थे, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़े देर पेन वगैरह को नीचे रखिए, मैसेज करना बंद करिए और थोड़ा ध्यान दीजिए सेशन पे। सबसे पहले हम जब इस टॉपिक को डील करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी इज इंडस वैली के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है? वी हैव सीन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कहीं कहीं पे आपको इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन भी दिखेगा। थोड़े देर ध्यान से सुन लो, चीजें कुछ ध्यान में घुसेंगी, ठीक है? मैं प्री और थोड़ा मोड़ा प्री पर्सपेक्टिव से आपको पूरा बता दे रही हूँ, और मेंस पर्सपेक्टिव से जितने सवाल आ सकते हैं ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डील कर लेंगे। थोड़ा देर पेन नीचे रखो और थोड़ी देर मेरी बात को सुन लो। टाइपिंग छोड़ दीजिए और मेरी बात को सुन लीजिए। सिर्फ जब मैं ओके ओके बोलू ना तो यस नो करके लिख देना, ठीक है? फर्स्ट थिंग भाई, हरप्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम है। इट हैज मेनी नेम्स। जैसे इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन है, कुछ लोग इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, और अभी रिसेंटली न्यूज में भी था कि इसको घग्गरा सरस्वती सिविलाइजेशन भी जो है वो कहा जा रहा है, घग्गर सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जा रहा है। तो भाई क्यों इसे घग्गर सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जा रहा है ये बताओ, समझ में आ रहा है? बहुत सारे अलग अलग नाम जो है इंडस सिविलाइजेशन के हैं। तो अब सबसे पहला सवाल है कि ये इतने अलग अलग नाम क्यों है और इन नामों का क्या महत्व है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमें डील करना है। द सेकेंड थिंग, जिन चीजों के साथ हम डील करेंगे,
है ना, वो होगा इसका ओरिजिन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, कहां से आई ये लोग, और अगर आए तो वहीं क्यों बसे, ये सिविलाइजेशन कैसे बड़ी हुई, किस तरीके से इसे हम एक सभ्यता कहने लगे, यू नो व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ सिविलाइजेशन। दुनिया के सबसे चार पुराने सिविलाइजेशंस में ये एक था, ये कैसे बना, यहाँ के लोग कैसे आए, ये एक अलग सवाल बनता है। अब क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी थ्योरीज की तरफ पॉइंट करेगा, उनकी तरफ हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा, अगला सुनिए, इसके बाद हम आते हैं थर्ड चीज जो हम यहाँ पे डील करेंगे, वो होगा इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। मतलब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बता दो इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, समझना बात को, इसका नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट क्या है, सदर्न मोस्ट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट क्या है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। इसके साथ इंडिया में इसके कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, सबसे बड़ा साइट कौन सा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं वो देखेंगे। सेकेंड जो हम देखेंगे कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो इसका एक्सटेंट है वहां के इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, और उसके साथ साथ ये साइट्स कौन से रिवर्स के पास आते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब थोड़ा डीपली पढ़ना है, और डीपली पढ़ने के लिए थोड़ा सुन लीजिए थोड़ी देर मेरे बात को, ठीक है। तो पहली हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसके अलग अलग नाम क्यों है, Why are we calling it by different names? सारे नाम एक ही हैं, एक ही सिविलाइजेशन को दर्शाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, बट अलग अलग नाम ही क्यों है, क्यों नहीं एक नाम है। मतलब आप सोचो, नॉर्मली क्या आपके पापा आपको चार नाम से बुलाते हैं, नहीं ना, आपका भी एक ही नाम होगा, तो यूजुअली वो एक नाम क्यों है, और एक से दो तो फिर भी ठीक है, लेकिन चार चार पांच पांच नाम क्यों है। घग्गर हकरा सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, वो एक सेकंड चीज होता है। और भाई ये बात याद रखना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना घग्गरा सरस्वती हरका सिविलाइजेशन, ये रिसेंटली न्यूज में भी था। इसके बाद हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, समझना, हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में तो नंबर वन वो आ जाता है जो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, जैसे हमें पता है हरप्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी रीसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा इसके वाटर मैनेजमेंट को भी लेके बहुत सारा सवाल उठ रहा है। इनफैक्ट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक सवाल आया था ना ढोलावीरा को लेके, कि ढोलावीरा यूनेस्को साइट है, क्यों है, क्या है ऐसा ढोलावीरा में जो उसे यूनेस्को साइट बनाता है। साथ ही साथ हमने ये एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई ये बता दो किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन, एंशियंट इंडिया का वाटर कंजर्वेशन टेक्निक प्रेजेंट डे में हम लगा सकते हैं। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स देखे थे, जैसे हमने टैंक्स देखे वहां पे, हमारे यहाँ टंकियां होती है ना, टंकी बनाकर रखे थे ये लोग, कनाल इरिगेशन होता ना, नाले बना के रखे थे इन्होंने। वैसे ही आप बहुत सारी चीजें जो है यहां पर देखेंगे जो प्रेजेंट डे में लगाएंगे, हम हर वो चीज जो है डिस्कस करेंगे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबसे पहले सबको गुड इवनिंग है, दर्शना, अश्विनी, इशिका, साधना कुमारी, इशिका जिंदल, वंशिका कश्यप, नितिन कुमार, टिंकू सैनी, साधना कुमारी, सबको, ठीक है, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, फाइनली हम इसके पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल, इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट को देखेंगे, और सोशल एस्पेक्ट में हम इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को भी देखेंगे और इसकी सोसाइटी को भी देखेंगे, ठीक है। फाइनल, अगर एक फाइनल पॉइंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम कवर करेंगे वो होगा उसका डिक्लाइन। तो फाइनल पार्ट जो मैं आपके साथ कवर करूंगी वो होगा डिक्लाइन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हमें किस तरीके से ये टॉपिक कवर करना है। अभी आपको समझ में आ रहा है ना ये क्लास हमें किस तरीके से कवर करना है, होपफुली क्लियर है, जल्दी से बताइए, ऑल ओके एवरीवन, फ्लो समझ में आ रहा है, फ्लो क्या होगा इस सेशन का। फ्लो इज ओके, समझ में आ रहा है, ये फ्लो में हम करेंगे, चलो बढ़िया। फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे आप इसे इसी फॉर्मेट में जो है पढ़ने की कोशिश करोगे, जब भी आप पढ़ोगे आप इसे इसी फॉर्मेट में जो है पढ़ने की कोशिश करोगे, फटाफट देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अरिजीत भाटी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं 1 वीक के लीव पे थी, ठीक है, आप शायद सुन नहीं रहे हो, या आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हो, या आपका आई डोंट नो आप सुन नहीं सक रहे हो, या आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही आपको आते ही बता दिया था कि मैं 1 वीक के लीव पे थी,
इसीलिए दीपेश सर ने फिल इन करा था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी ऐसा है कि 3 दिन हो गए, मेरा हफ्ता हो गया, मुझे छुट्टी जो है खत्म हो गई, ओके। इसीलिए मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ सेशन को। अगर आपको समझ में आ रहा हो टीचिंग टेक्निक, अगर आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा हो, वेल एंड फाइन, आप एक बार करके देखो। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप वेट करें दीपेश सर के क्लास के लिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने अच्छा एक और चीज, ये मैंने डिजाइनिंग करा है ना आपके इस कोर्स को, ये मैंने 3 स्टेप में डिजाइन करा है। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, मैंने आपके 3 स्टेप में इस कोर्स को डिजाइन करा है। देर आर गोइंग टू बी 3 स्टेप्स, ठीक है। तो इंडस वैली के ऊपर हम कुल मिलाकर 3 सेशंस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एक तरीके से अगर आप देखो तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स दैट यू विल फाइंड, ठीक है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनेशन का, यूपीएससी वालों का काफी फेवरेट टॉपिक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको प्रीलिम्स लेवल पे इसके क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। इसीलिए हम इसके ऊपर 3 टॉपिक करेंगे। स्टेप वन मतलब आज का जो सेशन होगा वो थोड़ा इजी होने वाला है। इसके साथ साथ जो सेकेंड सेशन होगा हमारा वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा, ओके। मॉडरेट लेवल मतलब क्या, इसमें मैं कुछ PYQs भी ऐड कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी और थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे। और जो परसों का क्लास होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा टफ होगा, ठीक है। और इसमें हम ये सारे पॉइंटर्स जो मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पे रखे हैं वो मैं सारे के सारे कवर कर दूंगी, ठीक है ना। ऑल राइट टिंकू सैनी, मैं आपको सेशन के बाद जो है वो कॉन्टैक्ट करवाती हूँ, ठीक है। ये आपका पर्सनल गाइडेंस हो जाएगा, आई विल हेल्प यू आफ्टर द सेशन। इस सेशन के बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, ये हम बात कर रहे हैं इंडस वैली के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पे। वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फटाफट क्वेश्चन को देखिए, हाँ जी हाँ, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। तो हमने ये देखा है कि ईस्टर्न बाउंड्री क्या बनता है। सबसे पहले इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेट मी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इंडस वैली के केस में कि इंडस वैली, पहले तो इसे किसने किसने जो है डिस्कवर किया था, पहले तो एक चीज पे आते हैं, हु हैड डिस्कवर्ड दिस। तो हमें पता है कि सबसे पहले देयर वाज एन इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, हो सके तो इन्हें नोट कर लेना। सबसे पहले देयर वाज अ पर्सन जिनका नाम था चार्ल्स मेसन, एक मिनट रुकना, हाँ, जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो थे वो एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो यू नो सिविलाइजेशन को पढ़ते थे। आपको एक चीज पता होगा कि पहले इस दुनिया में 4 मेजर एंशियंट सिविलाइजेशंस थे, सिर्फ 4 ही थे, ठीक है। कौन-कौन से ये 4 सिविलाइजेशन थे? एक का नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये जो मॉडर्न डे आप एरिया को देखते हो ना, वेस्ट एशिया के एरिया को, इस एरिया में आपको मेसोपोटामिया देखने को मिलेगा, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर के पास में। इसके बाद आपको एक मिलता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तीसरा जो आपको मिलता है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन, अच्छा। और चौथा जो था वो हमारा इंडस सिविलाइजेशन था। अब ऐसा हुआ कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने 1800 में मेसोपोटामिया के किताब को पढ़ा था। मेसोपोटामिया के उस बुक में लिखा था कि हम एक कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, उस कंट्री से हमें बहुत सारे यू नो जेमस्टोन्स वगैरह मिलते हैं, और ये जो जेमस्टोन है और वहां से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम खरीदते हैं। सुनिएगा ध्यान से, थोड़े देर मेरी बात को सुनिए, जस्ट लिसन टू मी गाइस। एक चीज बताऊं आप लोगों को ना, थोड़ा सा फेथ रखना है, ठीक है। आधा घंटा 40 मिनट्स में जितने देर ऑनलाइन हो, मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना आप लिख लो। आपके एग्जाम्स में अगर आप यूपीएससी दे रहे हो उसमें भी, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो उसमें भी, इनफैक्ट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पे हिस्ट्री आ रहा है,
तो आप इसका जवाब जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम क्रैकर में हिंदी में ही बोल रही हूँ यार, मैं तो हिंदी बोल रही हूँ, मैं कौन सा भाषा बोल रही हूँ बताओ, मेरे को तो हिंदी समझ में आ रहा है अपना, ठीक है। सुनिए, हाँ, तो चार्ल्स मेसन ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़ा और उसमें उन्होंने पढ़ा कि एक जगह है जिसका नाम है मेलुहा और इस मेलुहा के साथ ये लोग डायरेक्टली डील करते हैं। उन्होंने सबसे पहले 1800s में ये बोला था कि देखो वहां पर वो इंडस रिवर वाला जगह है ना, वहां पे कुछ तो है, कोई तो सिविलाइजेशन है, कोई तो ऐसा सिविलाइजेशन है जो वहां पर है जिसके बारे हमें पता नहीं है। लेकिन देखो हमारे यहाँ अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों को हमारी हिस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। तो आप इंटरेस्टिंगली एक बहुत अजीब चीज देखेंगे, आपने सुना होगा ना कि 1850 में एक इंडिविजुअल थे जो ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर हुआ करते थे। ये जो रेलवे इंजीनियर थे इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगहम। देखो 1850s में इनको, 15s में आपको याद है लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे और लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में रेलवे को एक तरीके से बढ़ावा दिया था, है ना, रेलवे बना रहे थे। तो आप क्या देखोगे, लाहौर और मुल्तान के बीच में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे। जब लोगों ने जमीन को खोदा था ना, तो उन्हें ईंट बनाने थे, उन्हें मिट्टी चाहिए थी, तो जमीन खोदा, जमीन खोद के उन्हें दिखा कि अंदर से ही ईंटें निकल आ रही हैं। उस समय पे अलेक्जेंडर कनिंगहम को जाके वर्कर ने दिखाया कि देखो सर जमीन से ईंटें निकल रही है, क्या करूं इनका। अलेक्जेंडर कनिंगहम ने कहा इसे रेलवे ट्रैक्स पे बिछा दो। उन्होंने बोला लॉटरी लग गई हमारी, मतलब उन्हें चेक ही नहीं करना था कि इंडिया में शायद कोई ऐसी सभ्यता होगी जो बहुत पुरानी होगी, समझ में आ रहा है। काफी दिनों तक ये बात पता ही नहीं चली, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया और फिर आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। इसमें ना कुछ ऐसे लोग थे जो इंडियन हुआ करते थे, ठीक है, अच्छा उस टाइम के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के अंदर कुछ लोग काम करते थे, जैसे दयाराम साहनी का नाम आपने सुना होगा, आपने आरडी बैनर्जी का नाम सुना होगा। उनको बोला कि जाओ जाकर देखो वहां पे कुछ है तो बताओ। ये लोग वहां पर गए और इन्हें एक सिविलाइजेशन मिला। 1921 में पहली बार एक ऐसी जगह निकल कर आई जिसे देखकर पता चला कि जरूर यहां पे कोई सभ्यता है, एक कल्चर मिला। कुछ ही दूर में फिर इन्हें मोहिंजोदारो भी मिला और इन्होंने बोला जब 400 मील दूर की दो जगहें हैं और उनमें सेम फीचर्स हैं, डेफिनेटली ये एक सभ्यता है, समझ में आ रहा है। क्यों इसे हम सभ्यता कहते हैं, व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ सिविलाइजेशन, क्योंकि दूर दूर में लोग उस कल्चर को अपना रहे थे, समझ में आ रहा है। तो पहली बार 1921 में आप इसे आते हुए देखेंगे, ठीक है। उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल और 1924 में उन्होंने दुनिया के सामने बोला कि भाई एक नई सभ्यता, बहुत पुरानी सभ्यता निकल कर आई है। और एक इंडिविजुअल है, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपने देखा होगा, एक हिस्टोरियन थे एसएन रॉय, वो कहते हैं जॉन मार्शल ने इंडिया को 3000 साल और पुराना कर दिया। ऐसे करके एक स्टेटमेंट है उनका, दैट ही मेड इंडिया 3000 इयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, ठीक है। अब जब अलेक्जेंडर कनिंगहम ने देखा, या मतलब जॉन मार्शल ने देखा कि जगह मिल रही है, तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास वो पूरी खुदाई करने लगे। और जब खुदाई करा तो देखा भाई ये तो सभ्यता बहुत बड़ी है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो ये सभ्यता कहां से कहां तक थी, देखो ये जो सभ्यता थी ये नॉर्थ में, अगर आप देखो तो कश्मीर से शुरू हो रही थी, कश्मीर के मांडा से, ठीक है। साउथ में अगर आप देखो तो महाराष्ट्र का दायमाबाद था, अच्छा। वेस्ट का अगर आप देखो, आपने बलूचिस्तान का नाम सुना है ना, पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, उसका नाम था सुक्ता गेंदोर। और ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है वो आपके यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। ध्यान से देखो इन स्टेटमेंट्स को, यूपी में आलमगीरपुर, कश्मीर में मांडा और एक आएगा दायमाबाद इन महाराष्ट्र। सिमिलरली आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान या बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा सुक्ता गेंदोर। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज आएगी, जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है वो और एक स्टेट का नाम लेंगे या एक साइट का नाम लेंगे जिसका नाम है शोरतुघाय। सुना है ना, अफगानिस्तान में शोरतुघाय करके एक एरिया है जिसमें कनाल के रेमनेंट्स भी मिले हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैम नॉर्दर्न मोस्ट तो ये होना चाहिए, आप बिल्कुल सही है, होना तो ये चाहिए, मगर ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पीसीएस एग्जाम्स हैं और हमारे यूपीएससी एग्जाम्स ने भी एक बार के लिए इंडिया के अंदर
मांदा को इसका नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है वो एक्सेप्ट करा है। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, और कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। वेलकम आकाश रॉय। गाइज एनी प्रॉब्लम? मेरी आवाज ही ऐसी है यार, क्या करूं। ओके ऑल गुड एवरीवन, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एंड गाइज फटाफट सेशन को प्लीज लाइक कर दो, प्लीज लाइक द सेशन एज मच एज यू कैन। हाँ एग्जाम क्रैकर ने पहले ही बोला मैम हिंदी में बात करें, भाई मैं कौन सी भाषा बोल रही पहले ये तो बता दो। सी ये टॉपिक काफी क्वेश्चन टॉपिक है, समझ में आ रहा है? लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पता है, लेकिन जब आप जवाब देने की कोशिश करते हैं तो रियलिटी में होता नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच ईयर वॉज द हरप्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड? हरप्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले कब डिस्कवर हुई थी? देखो अभी मैंने इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब दिया था। यस टिंकू सैनी, आई जस्ट सेट सेशन के बाद आप मुझे ग्रुप में कांटेक्ट करिए एंड आई विल हेल्प यू विथ योर आंसर। मैंने अभी आपको बोला है ये चीज है ना? अच्छा वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले मैं उनका नाम ले लूं, ममता भारती, अश्विनी पाइकराव, आई हैव नूमा अलवी, गौसिया नाज, मलिक गौर, एग्जाम क्रैकर विकास वर्मा। गुड, देखो भाई यहाँ पे ना जब इस टॉपिक को हम करेंगे, इसके डिस्कवरी को, तो चार नाम हम याद करेंगे, ठीक है? पांच नाम इनफैक्ट। चलो सबसे पहले नाम हम जो याद करेंगे, आंसर तो आपका 1921 है ये तो पक्का है। सबसे पहला नाम हम याद रखेंगे चार्ल्स मेसन। अच्छा एक चीज, चार्ल्स मेसन को कहीं कहीं पे आपको जेम्स लुइस के भी नाम से देखा जाएगा, यू विल सी द नेम एज जेम्स लुइस आल्सो। जेम्स लुइस जो थे उन्होंने पहली बार बोला था कि वहां पे कोई सभ्यता है, मतलब कुछ तो है वहां पे इस तरीके से, ठीक है? फर्स्ट नेम, ये करीबन 1853 की कहानी है। अच्छा दूसरा नाम जो हम देखेंगे वो होगा अलेक्जेंडर कनिंगहम। अलेक्जेंडर कनिंगहम के हाथ में इनकी ईंटें भी पड़ी थी और उसके साथ ना एक सील भी मिला था। आपको पता है ना हरप्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे ऐसे सील्स मिला करते थे, तो उनके हाथ में जब सील आया ना उनको डाउट था कि पता नहीं क्या है। उनके मन में ये चीज थी कि इंडिया में जो भी सभ्यता आई है वो वैदिक सिविलाइजेशन से आई है, मतलब 1500 BC के टाइम से आई है, उसके पहले कुछ तो था ही नहीं उनके हिसाब से। तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि उससे पुराना भी कुछ हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करा। अच्छा जो तीसरा नाम आप देखिएगा, इनफैक्ट इस पे स्टार दे लीजिए, ये होगा जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी टीम भेजी यहां पर कि जाकर देखो वहां पे कुछ है तो हमें बताओ। और 1924 में उन्होंने अनाउंसमेंट एक करा था, पूरे दुनिया को बताया था कि एक सभ्यता है जो शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, मतलब वो मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुरानी है। समझ में आ रहा है? तो वो ये पहला अनाउंसमेंट करते हैं। जो पहला जगह ये लोग खोजते हैं उसका नाम है इंडस, उसका नाम होता है हरप्पा। इसीलिए इस सभ्यता को हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था डीआर या दयाराम साहनी, ठीक है? उसी के कुछ महीनों बाद आप देखेंगे और एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम था आरडी बैनर्जी। आरडी बैनर्जी ने कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि नोटिस करा या खोजा मोहिंजोदारो को। अब मोहिंजोदारो हरप्पा एक दूसरे से करीबन 400 मील की दूरी पे था, फिर भी सिमिलर फीचर्स थे तो बोले ये सभ्यता ही है। अच्छा और एक नाम जो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको में भी आपको देखने को मिलेगा, और वो होगा आर ई एम व्हीलर का। मतलब देखो इन्होंने इनिशियल साइट जो है वो
अगर आप नोटिस करोगे तो जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आरडी बैनर्जी ने करा। लेकिन अगर आप लास्ट वाले पे आओगे, आरईएम व्हीलर पे, ये वो है जिन्होंने प्रॉपर एक्सकवेशन करा था। समझ में आ रहा है? ऐसा एक्सकवेशन करा था कि बाकी के साइट्स के बारे भी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला। पहले अपने दिमाग में ये पांच नाम आप लोग फिट करिए, एकदम अच्छे से फिट करिए, ठीक है? पहले ये पांच नाम आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। मतलब अगर इमेजिन करो, प्रीलिम्स में आप सवाल आ गया कि ये बता दो कि ये जो अलग अलग सिविलाइजेशन है वो कहां पर आए हैं, तो अलग अलग नाम है, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि ये पांच नाम है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? फटाफट बताओ, कोई डाउट? आई गिव यू वन मिनट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो फटाफट पॉइंट आउट करिए, नहीं तो हम आगे के सवाल पे जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूं कि सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है हमारे, वो हम कवर कर ले। गुड इवनिंग राम संजीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ फटाफट बताइए, कोई डाउट है तो प्लीज पॉइंट आउट करिए। हाँ जी, नो, लर्न हो गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक सवाल है, ओके? इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंधु या हरप्पा सभ्यता अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं से भिन्न कैसे है? देखो फटाफट, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, ठीक है? इनफैक्ट ये काफी लंबा डिस्कशन है जिसके सारे पॉइंट्स मैं आपको अभी पढ़ाते पढ़ाते ही दे दूंगी। होपफुली उस पॉइंट पे आपको डाउट वगैरह जो है वो नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड, साधना गौतम, बहुत अच्छा। गौतम चौधरी, वेरी गुड। स्क्वेयर, वेरी गुड। नितिन कुमार, ममता भारती, अमृत, गौसिया नाज, जय राजपुताना, नूमा अलवी, राम संजीवन, मलिक गौर, गुड। दर्शना, गुड। आकाश रॉय, गुड। आकांक्षा लाइफ स्टोरी, गुड। हरप विकास वर्मा, और लेट ज्वाइन करो, इसका सवाल आपको जवाब तभी मिलेगा। हरप्पा कैसे नष्ट हुआ, बना कैसे वो नहीं जानना, पहले ये बता दो नष्ट कैसे हुआ, भाई अजीब ही बात है। देखिए जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सेशंस पे टाइम पे आ जाया करो। 9 बजे का सेशन होता है, मैं लेट टू लेट मैं 9:05 या 9:10 में शुरू कर देती हूँ। देखो अब आप लोगों को टाइम पे अगर नहीं आओगे, आपको एजेंडा कैसे समझ में आएगा, बताओ? मैंने सेशन की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि हम किस क्रम में चीजों को करेंगे, बताया है ना? जो लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन करके रखे हैं, आप लोग बताओ, आपको पता है ना कि हम किस ऑर्डर में इस चीज को करेंगे? सबसे पहले जो है हम इसके डिफरेंट नाम के रीजंस को समझेंगे। नंबर टू हम ये देखेंगे कि ये जो सभ्यता है इसके अलग अलग फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं, ओरिजिन क्या हुआ था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक्सटेंड क्या क्या है। तो एक एक करके हम चीजों को यू नो पकड़ेंगे, तो इतना जल्दी जल्दी नहीं होना है, धीरे धीरे करना है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले देखो हरप्पन सिविलाइजेशन जो था डिस्कवर होने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला ना, 5-6 लोग थे। एक ने बोला वहां होगा, एक ने शुरू करवाया, और एक जो है प्रॉपर तरीके से उसका एक्सकवेशन करने लगा। अब देखा ये गया ना कि हरप्पन सिविलाइजेशन 3 बहुत सालों तक रहा था। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे सालों तक रहा था। अब एक चीज दिमाग में आता है ना, आप लोग ये नॉर्मली तो आप लोग पढ़ते होगे कि भाई देखो, नंबर वन, हरप्पन सिविलाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तरफ अर्ली है, एक तरफ मैच्योर है, एक तरफ लेट है। ये पढ़ा है ना सबने? इसका मतलब क्या होता है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या होता है? हम अर्ली बोलते हैं, हम मैच्योर बोलते हैं, हम लेट बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि देखो जो अर्ली सिविलाइजेशन है वो करीबन 3500 से लेके या 4000 से लेके 2600 तक था। एनसीईआरटी अगर देखो तो 3500 कहता है एनसीईआरटी, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखो तो मैच्योर सिविलाइजेशन जो था वो 2500 से लेके 1700 तक था,
या 1900 तक था, और लेट जो था वो करीबन 1900 से शुरू होता है और 1400 तक चलता है। पढ़ा है ना एनसीईआरटी में ये वाला? कभी दिल में ये सवाल आया कि इसका मतलब क्या है? मतलब आपने पढ़ा तो है, मुझे ये समझना है कि ये बताओ मुझे कि इसका मतलब कितनों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? देखो इसके मीनिंग को समझने के लिए ना आप समझो आरईएम व्हीलर ने क्या करा था। ओके एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ठीक है ना? इस एग्जाम्पल को समझना। इमेजिन करो तुम एक जगह पे गए, ठीक है, और तुम्हारे घर पे एक कैरेक्टरिस्टिक है, तुमने अपना घर बनाया, ठीक है, पहले सबसे पहले तुमने अपना एक जगह पे घर बनाया, तुम यहाँ रहते हो। अब तुम्हारे घर में ना एक प्रथा है, और प्रथा ये है कि तुम्हारे घर पे ना तुम लोग नीले रंग की के मटके यूज करते हो, समझ में आया? नीले खाने के लिए नीले रंग के बोल्स तुम लोग यूज करते हो, बहुत सारे नीले नीले बोल्स है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करते हो नीले रंग के बोल्स यूज करते हो। अब इस्तेमाल करते करते टूटता है ना, कभी हाथ से गिर गया, कभी बच्चों ने गिरा दिया, कभी मम्मी ने तोड़ दिया, कभी पापा ने आपके ऊपर फेंका और वो गिर गया टूट गया, वैसा भी होता है कभी कभी। इमेजिन करो तुम्हारे ऊपर मम्मी ने कप फेंक के मारा तुमको और वो कप टूट गया, और फिर तुमको बोला ले जाकर फेंको टूटा हुआ कप, तुम बड़ा गुस्सा, तुम क्या करते हो घर के पास जाते हो और थोड़े दूर में जाके तुम इस तरीके से ये कप्स जो है जमीन में फेंक देते हो जो भी टूटा। ओवर टाइम बहुत सारे कप्स तुम्हारे टूटे, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तुम्हारे बच्चों को भी तुमने फेंक फेंक के कप से मारा, तुमने वो प्रथा भी आगे रखी, और अल्टीमेटली एक जगह पे बहुत सारा कप्स जो है वो जम गया, ठीक है। अब देखो नेचर जो है वो धीरे धीरे हर चीज को ठीक करने की कोशिश करता है, होता है ना, सारी चीजें एक टाइम के बाद मिट्टी के अंदर आ जाती हैं। तुम नोटिस करो तुम्हारे घर पे कुछ दिन झाड़ू नहीं मारते हो तो ऐसा होता है ना, मिट्टी जम गया, तो तुम्हारे यहाँ पे इस तरीके से मिट्टी जम जाती है, समझ रहे हो। अब कुछ साल बाद कुछ क्या हुआ, तुम उस जगह छोड़ के चले गए और तुम्हारे जगह जो है, सुनो सब लोग, और तुम्हारे जगह जो है कुछ ऐसे लोग आ गए जो लाल रंग के मटके यूज करते थे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सिविलाइजेशन को अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है, ठीक है। पहली चीज वो लाल रंग के यूज करते हैं, अब उनके यहां भी वही मारपीट चल रही थी कप्स को लेके, तो वो लोग भी लाल रंग का कप यूज करते थे, उन्होंने भी फेंक कर चले गए, ठीक है। कुछ दिनों बाद एक परिवार आया, इसके ऊपर भी जो है मिट्टी जम गई। कुछ दिनों बाद एक परिवार आया और ये परिवार जो है ये येलो रंग के मग्स यूज करता है, ठीक है, पीले रंग के कप्स यूज करता है, और करीबन 1200 साल निकल गए। कुछ दिन बाद एक आदमी आया और ये आदमी यहाँ रहने नहीं आया, इसे पता चला था कि 1000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। अब ये आता है यहाँ पे समझने के लिए कि कितने लोग रहते थे। अब देखो इस इंसान को सबसे पहले तुम जॉन मार्शल की नजर से देखो। जॉन मार्शल आए, उन्होंने जमीन को सीधा ऐसे खोद के निकाला, ठीक है, पूरा एकदम ऐसे करके पकड़ के निकाल लिया, समझ में आ रहा है। अब देखो जब उन्होंने मिट्टी ऐसे पकड़ी तो लाल येलो एंड ब्लू सारे मिक्स हो गए, समझ में आ रहा है, उन्होंने पूरा मिक्स कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कब जो है कौन कौन सी चीजें हुई थी, मतलब समझ लो अगर आप 1000 ये इसमें थे, ये 1500 में रह रहे थे और अब आप 1700 में हो, तो इन्होंने क्या किया, 1000 BC का कप, 1500 BC का कप और 1700 सारे मिला दिए एक साथ, हैप्पी बर्थडे, चीजें खराब हो गई। अब क्या, जब आरईएम व्हीलर आए वो ना एक एक करके चीजों को निकालने लगे, एक एक करके, है ना, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर, और जब एक एक करके निकालने लगे उन्होंने बोला सबसे नीचे जो होगा वो तो सबसे पुराना होगा, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा नया, और जो सबसे ऊपर है वो तो एकदम ही नया होगा। इस प्रिसिशन के साथ उन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो इंडस वैली को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया है इनटू 3 सिविलाइजेशंस, ठीक है, इसी तरीके से इसे 3 सिविलाइजेशंस में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन है जिसे हम नियोलिथिक एज के साथ जोड़ते हैं। फिर आता है मैच्योर, जो अभी आप जितना भी पढ़ोगे ना इसके बारे, मतलब हम अगर इसके टाउन प्लानिंग के बारे पढ़ेंगे या हम इसके वाटर मैनेजमेंट के बारे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे मैच्योर फेज में आते हैं। और लेट वाला वो है जब हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर थे वो छोटे छोटे बन चुके हैं, ठीक है, और एक तरीके से ये खत्म होता जा रहा है। सो ये हमारे 3 सिविलाइजेशन। अब मच्योर फेज में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो था इनका टाउन प्लानिंग का। ऑल राइट, टाउन प्लानिंग में क्या क्या चीजें हैं मैं तो एक बार इसे लिस्ट कर दे रही हूं,
सामने के थोड़े देर में हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो टाउन प्लानिंग फीचर था वो था नंबर वन सिटाडल, प्रेजेंस ऑफ हायर टाउन या सिटाडल। कितने लोगों को सिटाडल का मतलब पता है, कितनों को नहीं पता, फटाफट बताओ। हाँ क्लास अब डेली होगा, क्लास अब डेली होगा, भाई सब पागल हो गए हैं, आज कोई सेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आज सब इसमें इंटरेस्टेड है कि ये बताओ सेशन होगा कि नहीं, ये बताओ एक्सप्लेनेशन अच्छा है कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। पहले आज हम बात कर लें, यहाँ कौन कौन है फटाफट बताइए, एनी प्रॉब्लम? सिटाडेल का मतलब पता है? चलो नेक्स्ट सेशन में मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मेरा काम बनता है। अगली चीज हम देखते हैं, हर शहर में एक सिटाडेल हुआ करता था। अच्छा सिटाडेल क्या था, पहले सुनो। जैसे कोई भी शहर है ना मोहनजोदारो का, हरप्पा का, उसका कुछ ऐसा फीचर है। जनरली सबसे पहले एक ऐसा शहर है जिसके आसपास मतलब फोर्टिफिकेशन है, होता है ना ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ये दीवारें हर शहर के बाहर है, पहली चीज। अब कहा जाता है ये दीवार दो रीजन से हुआ करती थी, हो सकता है, देखो हम उनके स्क्रिप्ट को तो हमने पढ़ा नहीं है, हमें उसका मतलब नहीं पता, तो हमें नहीं पता वो क्या बनाते थे और क्यों बनाते थे। हमने देखा हर शहर के बाहर जो है उन्होंने दीवारें बनाई थी, ये दीवारें दो रीजन से हो सकती थी। एक तो ये था कि ये जो दीवार थी, ये जो फोर्टिफिकेशन था, ये बाहर के दुश्मनों से इनको बचाने के लिए था, हो सकता था लोग इनको अटैक करते थे तो इन अटैक से बचने के लिए होगा। या तो आप तो ये जानते हैं ना कि हर हरप्पन शहर जो है वो एक नदी के पास था, मतलब इंडस के ट्रिब्यूटरी के पास था, तो हो सकता है ये जो ट्रिब्यूटरी है वो कभी कभी यू नो उसमें बाढ़ आ जाता होगा, शहर जो है वो भस जाते होंगे, हो सकता है उससे बचाने के लिए इन्होंने जो है इसको बनाया है। दो चीजें हैं, पहली चीज। अच्छा तो फोर्टिफिकेशन जो हुआ करता था वो दो लेवल पे होता था, एक तो शहर के बाहर और एक शहर के अंदर। कैसे करते थे? शहर में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ऑलमोस्ट, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट, सारे नहीं बोल रही, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब शहर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक है। और ये देखा गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बिल्डिंग बने हैं और नीचे में तो बहुत सारे बिल्डिंग बने हैं, तो बोला गया इसको एक नाम दे दिया गया अपर टाउन, ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया है इसको नाम दे दिया गया लोअर टाउन, ठीक है, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। ये जो अपर टाउन है इसके लिए और एक वर्ड यूज किया जाता है सिटाडेल। नॉर्मली आपको और एक वर्ड यहां मिलेगा एक्रोपोलिस, ओके? इस तरीके से शहर का डिवीजन हुआ। अब देखो जिनके मन में थोड़ा डीप स्टडी करने का मन होता है, ये सवाल एक आता होगा, क्यों बनाया शहर ऐसा? भाई हिस्टोरियंस ना आपस में ही लड़े हुए हैं इस चीज को लेके, सुनना क्यों। कुछ कहते हैं कि सिटाडेल इसलिए था क्योंकि जरूर कोई राजा होगा जो अपनी प्रजा के ऊपर रूल कर रहा है, राजा ऊपर रहता होगा, प्रजा नीचे रहती होगी। दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमारे हिसाब से ये जो जगह थी वो एक सेरेमोनियल जगह थी, मतलब वहां पे ऊपर जाते थे लोग, वहां पे इनके कुछ होंगे, मतलब ऐसा कुछ ये लोग यू नो कुछ रिचुअल्स होंगे जो ये ऊपर करते हैं फिर नीचे आ जाते थे। कुछ लोग कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, समझ में आ रहा है ना, मतलब जो आपके कर्मचारी है, आपके जो ब्यूरोक्रेट है, वो दिन को ऊपर जाते हैं, ऊपर में काम करते हैं, रात को शहर में उठ के आ जाते हैं, बेसिकली ये अच्छा ऑफिस होगा उस टाइम का। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा तो सिटाडेल ऑलमोस्ट सारे शहरों में हमें देखने को मिल रही है। मेरी बात का तो कोई यही नहीं है, शादी हो गई, क्या क्या चल रहा है ग्रुप में, आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस। हाँ प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। अच्छा इसके बाद हमें और एक चीज यहां पे देखने को मिली, ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, मतलब पक्के जो ईंट होते हैं ना वो हमें यहां देखने को मिले। अब ये ईंट के साइजेस भी प्रॉपर थे, मतलब ईंट का जो साइज हुआ करता था वो 4:2:1 हुआ करता था, मतलब जितना इसकी लंबाई उसके हिसाब से इसका हाइट, उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। सेकंड चीज तो ये है। तीसरी चीज, आपको हर जगह पे एक प्रॉपर हाउस मिलेगा, घर, यू विल फाइंड अ प्रॉपर हाउस, और ये जो घर है
ये यूजुअली प्रॉपर होते थे, मतलब एक आंगन के आसपास इसे बनाया जाता था। इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने सिर्फ कुछ फीचर्स आपको बता दिए हैं, जैसे कि बर्न ब्रिक्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, आप यहाँ पे घरों को देखेंगे, आप यहाँ पे ईंटों को देखेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 2014 में एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आया था इसके टाउन प्लानिंग के लिए। 2014 में आप यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे कि भाई जो इंडस वैली का टाउन प्लानिंग था वो प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के लिए कितना अच्छा है। ठीक है, ओके गाइस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स आपका है, मेरा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग, सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने लोग सच में प्रीलिम्स दे रहे हो। हाँ बिल्कुल बता दूंगी श्वेता कुमारी, सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे इस साल कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, थम्स अप लिख के मुझे भेजो। कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग प्रीलिम्स। नवाज मियां, नितिन कुमार, स्क्वायर, निवेदिता, गौतम, अश्विनी, अस्मिता, पगली, ये नाम ही है पगली, ओके, ममता भारती, दर्शना, गौसिया, रोहित खुलबे, निवेदिता, नुमा अलवी, एग्जाम क्रैकर, अश्विन, इरफान अली, अश्विनी पाइकराव। हाँ भाई, सारे लोग एग्जाम्स दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मतलब आप लोग सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो अपार्ट फ्रॉम मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ। देखो प्लीज सेशन स्टार्टिंग से देख लेना ताकि आपको फ्लो जो है वो पता चल जाए। हाँ जी, ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल या स्टेट का ही होना चाहिए श्वेता कुमारी, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे प्रीवियसली भी कवर कराया है, तो पहले इस पे ध्यान दे दो। कम ऑन गाइस, नहीं मैंने चैट ऑफ नहीं किया है, चैट एकदम ग्रुप में ऑन है। अगर आपके कोई भी प्रेपरेटरी डाउट्स है तो वो कंप्लीट करना मेरा काम है। जल्दी से सवाल देखो, इसका क्वेश्चन हमने मतलब ये हमने डिस्कस तो नहीं करा है, फिर भी देखो इंटरेस्टिंगली इंडस सिविलाइजेशन में ना सिटाडेल मिली, ब्रिक्स मिला, ड्रेनेज मिला, हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिले, जैसे कि हमें ग्रेट बाथ मिला, हमें ग्रेट बाथ मिला है, हमें आपको ग्रेनरी देखने को मिला, ग्रेट ग्रेनरी, सारी चीजें मिली, लेकिन हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जो बड़े बड़े पैलेसेस दिखाता है, समझ में आ रहा है। हमें घर मिले और इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे घर मिले, ऐसे घर मिले जो एक आंगन के आसपास बने हैं, होता है ना स्क्वायर स्क्वायर कमरे थे। अच्छा, ये जितने भी कमरे थे इनकी खिड़कियां बाहर की तरफ नहीं खुलती थी, समझो मतलब आंगन के आसपास सारे रूम्स बने। हमारे गांव में जैसे बना रहता है ना, आंगन के आसपास रूम है, रूम के में अच्छे खासे खिड़की दरवाजे हैं, लेकिन कोई भी खिड़की दरवाजा रास्ते के ऊपर नहीं खुलता, समझ में आ रहा है, मतलब पूरा प्राइवेसी है इनको, रास्ते के ऊपर कोई भी खिड़की दरवाजा जो है वो नहीं खुलता। ठीक है, कोई भी खिड़की दरवाजा रास्ते की तरफ जो है वो खुलता ही नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ हर घर में एक कुआं है, लेकिन हमने किसी भी घर में, एक तल्ले का भी घर हुआ करता था, दो फ्लोर का भी घर हुआ करता था, लेकिन कहीं पे भी इंटरेस्टिंगली कहीं पे भी हमने कोई पैलेसेस नहीं देखा और मंदिर तो हमें मिला ही नहीं, तो ये तो गलत है। हाँ, ये मेल एंड फीमेल डीटीज दोनों को ही पूछते थे, आपको याद होगा थोड़ा पशुपति शिव के बारे यहां डिस्कशन हुआ है, मैं आगे इस सवाल को और अच्छे से डील करूंगी। अच्छा, और फीमेल डीटीज भी होते थे। अच्छा, हॉर्सेस जो थे वो इंडिया में आर्यंस के साथ आए थे, हॉर्सेस उसके पहले यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन टू यानी कि बी ही यहाँ पे सही जवाब होगा। ध्यान से देखो सेशन को, यस नहीं, देखो सुर्खकोटा के पास दीपांकर लवारिया, इसका मैं जवाब दे दूं, ओके।
यहाँ पे जो आपने लिखा है ना सुरकोता में हॉर्स बोन था, नहीं, ठीक से पढ़िए, एनसीईआरटी में मेंशन है हॉर्स लाइक बोन्स थे, हॉर्स लाइक। अब हॉर्स लाइक का बहुत सारा मतलब हो सकता है, खच्चर के भी तो बोन्स हो सकते हैं ना, गधे का भी बोन्स हो सकता है, एग्जैक्टली हिस्टोरियंस इसे पॉइंट आउट नहीं कर पाए। इसीलिए यूपीएससी का और एक क्वेश्चन है जिसमें हॉर्स के ऊपर अगर कोई सवाल आए ना तो उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हॉर्स को लेके इंडस वैली पे कोई भी सवाल हो उसको सीधा काट देना। याद रखना हॉर्स इंडस सिविलाइजेशन में नहीं थी, यूपीएससी ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा है, एनसीईआरटी में हॉर्स लाइक एनिमल लिखा है, हॉर्स नहीं लिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। यहां पे हम आते हैं इनके धर्म के ऊपर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट। मेरा नाम राबिया है, गाइस फटाफट फटाफट फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके अभी मैं इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को आपके साथ कवर करूंगी। ठीक है, हाँ मैं क्लास करवाती रहूंगी यार निकी, ऑफ कोर्स विशाल कुमार, कैसा सवाल है, दिया तो तभी ना पढ़ा रही हूँ, बिना दिए थोड़ी ना पढ़ाते लोग, कैसी बातें करते हो, कुछ भी बस पूछना है पूछ लो कुछ भी। हाँ हाँ बहुत सही, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, जैसे ममता भारती, निवेदिता आर्या, इरफान अली, एग्जाम क्रैकर, गौतम चौधरी, यूनिक स्टार, मलिक गौर, दर्शना, हाँ नितिन कुमार। चलिए एक्सप्लेनेशन करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस चीज को। हाँ चलिए मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। सुनो जब हम इनके रिलीजन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, मैं एक प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ, ठीक है आप लोग इसको एक बार देख लो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती थी इसे ठीक से बताऊं। तो नंबर वन, अगर हम इनके धर्म के बारे बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द रिलीजन, तो इनके रिलीजन जो है वो दो एस्पेक्ट्स में बांटे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये नेचर वर्शिप करते थे, ठीक है, मतलब वो अपने आसपास हो रहे चीजों की पूजा करते थे, नेचर है ना। और दूसरी आप नोटिस करेंगे जो दूसरा फॉर्म ऑफ वर्शिप था उनका वो रिचुअल वर्शिप था, है ना, आपको आइडल्स मिलेंगे, आपको रिचुअल वर्शिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनफैक्ट आपको कुछ यहाँ पे आइडल भी मिलेंगे, आपको कुछ सील्स भी मिलेंगे। आइडल मतलब मूर्तियां होती थी ना, छोटी छोटी ऐसी स्टीयटाइट की छोटी छोटी मूर्तियां ऐसे आपको मिलेंगी। अच्छा इसके साथ साथ ये लोग शामन ट्रेडिशन में भी बिलीव करते थे, शामन मतलब तंत्र मंत्र में बिलीव करते थे। कैसे पता हमें ये, वहां पे ना हमें तावीज होता है ना, तावीज, आप लोग क्या बोलते हो तावीज को, तावीज हमें मिली है बहुत सारी, ऐसी तावीज थी जो इसमें ऐसा लगता था ना कि ये लोग मंत्र वगैरह लिख के रखते हैं और इनको बांध के रखते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो तावीज इनकी रक्षा कर देगा। चलिए इनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनका रिलीजन का, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। पहली चीज, इनके ना बहुत सारे भगवान हुआ करते थे, एक भगवान में इनका इकलौता बिलीफ नहीं था। स्टेटमेंट नंबर वन, हरप्पन लोग प्लूरलिज्म में बिलीव करते थे, प्लूरलिज्म मतलब बहुत सारे भगवान हुआ करते थे इनके, हिंदी वाले बहुत सारे भगवान हुआ करते थे इनके, स्टेटमेंट नंबर वन। सेकंड स्टेटमेंट, बहुत सारे भगवान हुआ करते थे, जैसे कौन कौन, नंबर वन हमें एक मदर गॉडेस देखने को मिलती है, मतलब जो धरती हुआ, धरती थी है ना, उनको भगवान यू नो माता कहकर ये लोग बुलाते थे। और ऐसे इमेजेस भी थे जिसमें ऐसा दिखाया जाता था कि औरतों का फैलिस वर्शिप भी होता था, मतलब जैसे मेल लिंगम वर्शिप होता है ना वैसे ही फीमेल लिंगम वर्शिप भी ये लोग किया करते थे। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट ये है कि इनके टाइम पे लिंगम वर्शिप होता था, और इंटरेस्टिंगली ये ऐसा नहीं था कि जैसे मेल, जैसे आज हमारे पास सिर्फ शिवलिंग की वर्शिप होती है,
पहले वो लोग फीमेल लिंगम वर्शिप भी करते थे, ठीक है, तो फीमेल भी होता था मेल भी होता था। उसके साथ साथ ये लोग पेड़ की भी वर्शिप करते थे, पीपल का गांच पता है, तो पीपल ट्री की भी वर्शिप करते थे। आपको एक भगवान देखने को मिलेंगे जिनका नाम था, एक सील पे पाए गए थे ये, जिनका नाम था पशुपति महादेव। सुनिएगा ध्यान से, पशुपति महादेव। कहा जाता है पशुपति महादेव के बारे या पशुपति शिव के बारे कि ये एक तरीके से शिवजी के प्रोटोटाइप थे, मतलब शिवजी का एक पुराने अवतार माने जाते हैं। अब इनके आसपास ना 6 जानवर थे, सुनना। एक तो आपको टाइगर देखने को मिलेगा, दूसरा आपको बफलो देखने को मिलेगा, तीसरा आपको राइनो देखने को मिलेगा, राइनोसोरस है ना, टाइगर बफलो राइनो, अच्छा दो हिरन इनके पैर के पास देखने को मिलेगी। अच्छा आपको ये इस चीज से ये तो समझ में आ रहा है ना कि इनको जानवरों के बारे डेफिनेटली पता था, तभी ना ये इस तरीके से पशुपति शिव के सील को इन्होंने बनाया था। जो आपको मेरा ग्रुप है ना, वो आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आपको मेरा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में ग्रुप है हमारा और उसमें आपको सारा ये चीज जो है मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप उसमें जाएं, मुझे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा इनका एक प्रॉपर, सुनना ध्यान से, बेरियल सिस्टम था। अच्छा मतलब जब लोगों को दफनाते थे ना तो एक तरीके से दफनाते थे, आपने देखा है ना जैसे हमारे यहाँ वास्तु सिस्टम चलता है, आप देखेंगे जब इनके बॉडीज को दफनाया जाता था ना तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया जाता था, मतलब उनके सर जो थे वो नॉर्थ में होते, पैर जो थे वो साउथ की तरफ पॉइंट करते, अच्छा, और उनके सर को ईस्ट के तरफ टिल्ट कर दिया जाता था। मतलब सोचो, डेड बॉडी रखा है ना, उसको लेटाया, उसके सर को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। हमारे यहाँ आज भी ये चीज होता है, मतलब हम लोग अपने बॉडी को एक तरीके से क्रिमेट करते, एक तरीके से जलाते हैं, ये वो सारी चीजें फॉलो करते थे। हमें ना चहुन्नदारो नाम का एक जगह है, भाई मत पढ़ो, तुम लोग बातें कर लो आपस में, ज्यादा जरूरी है ना, फालतू की बातें कर लो। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर एक बार आते हैं फटाफट और इसका जवाब एक बार देख लेते हैं। देखो, हरप्पन लोगों के बारे क्या इनकरेक्ट है, क्या गलत है, ये लोग फैलिस वर्शिप करते थे। हाँ भाई, लिंगम वर्शिप, इसके लिए टर्म है फैलिस वर्शिप, लिंग उपासक हुआ करते थे, बिल्कुल सही। दूसरा देखो, ये गॉड्स को ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में जो है वो वर्शिप किया करते थे। हाँ भाई सही है, एक तरीके से पशुपति शिव हमें मिला, पशुपति शिव एक इंसान जैसा दिखता था, उनके सर पे तीन सिंह हुआ, सिंह सिंह थे, आसपास बहुत सारे जानवर थे, टाइगर राइनो बफलो डियर सब हमें देखने को मिला। अच्छा, अपने भगवान को टेम्पल में डालते थे, अभी तो हमने बोला ना, आई एम सो सॉरी, कि यहाँ पे टेम्पल नहीं होगा, वी जस्ट सेड इट कि यहाँ पे देखो टेम्पल नहीं होगा, गिव मी अ मिनट, हाँ हमने अभी बोला यहाँ पे देखो टेम्पल नहीं होगा, और फाइनली ये अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस जैसा देखते थे, बिल्कुल सही। हमने अभी ये चारों चीजें जो है वो एस्टैब्लिश कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट्स हैव डिस्कवर्ड अ मिडिल टाउन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सिटाडल एंड लोअर टाउन। जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, मैं अभी 10 बजे तक क्लास लूंगी। नाइन टू टेन, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, फटाफट जवाब दीजिए। अभी हमने सिटाडल के ऊपर एक डिस्कशन करा था, बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करा था कि देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था जिसे हम कहते थे सिटाडेल, हाँ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, अच्छे से लोग सारे के सारे गलत जवाब दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, बी गलत है। चलो क्योंकि सबने गलत जवाब दिया है तो अब इसका सही जवाब देते हैं। देखो
सुनना ध्यान से, गलत जवाब आया है सबका, तो अब ध्यान से सुनना। हमें पता है इंडस के जितने भी टाउन्स थे है ना, इन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक हमने बोला अपर टाउन, जिसका और एक नाम था एक्रोपोलिस, जिसका और एक नाम था सिटाडेल। ये ना कुछ ऐसे बना करता था कि एक ऐसा जगह होगा जो उठा हुआ रहेगा और एक ऐसा जगह होगा जो नीचे की तरफ रहेगा, है ना। इसको कहते हैं सिटाडेल, इसको कहते हैं लोअर टाउन। अब आम तौर पे सुनना ध्यान से, सिटाडेल को फोर्टिफाई किया जाता था, मतलब इसके आसपास एक दीवार बना दिया जाता था इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और पूरे शहर को इस तरीके से फोर्टिफाई किया जाता था, ये तो आम होता था। लेकिन हर शहर में कुछ एक्सेप्शंस भी थे। पहला एक्सेप्शन सुनना ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। जो पहला एक्सेप्शन है वो है हमारा ढोलावीरा। क्या नाम है इसका? ढोलावीरा। क्या है ढोलावीरा में? ढोलावीरा में हमने देखा देयर इज थ्री लेयर्ड डिविजन। मतलब यहां नॉर्मली टाउन जो दो भाग में बट रहे हैं वो दो भाग में नहीं बट रहा, यहां पे टाउन तीन भाग में बट रहा है, अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। समझ में आ रहा है? ढोलावीरा इकलौता शहर है इंडस सिविलाइजेशन का जिसमें तीन डिविजन हुए थे। समझ में आ रहा है? अपर, मिडिल, लोअर। अच्छा, इस हिसाब से इसका जवाब जो है वो सी ढोलावीरा होगा। समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने लोथल लिखा। लोथल डेफिनेटली एक एक्सेप्शन है। कैसे है पहले सुनो। मैंने अभी क्या कहा, हर शहर में दो लेयर फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब बड़े बड़े दीवार बनाए जाते थे प्रोटेक्शन करने के लिए। लोथल एक ऐसा साइट है जिसमें एक बार फोर्टिफिकेशन हुआ है, सिंगल लेयर फोर्टिफिकेशन हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब सिर्फ एक बार शहर को बाहर की तरफ से लगाया गया है, ये जो अंदर का था ना ये यहाँ पे एब्सेंट है, ये है लोथल, इसीलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे माना जाता है। अच्छा, और एक यहाँ पे, अरे भाई विशाल कुमार मेरे बच्चे, मैं हिंदी में ही बोल रही, देखो मेरा ना हिंदी इंग्लिश वाला चीज मत करो, थोड़े देर ना सेशन को सुन लो। फोर्टिफिकेशन का मतलब मैंने बोल भी दिया, तुम्हारे घर के बाहर एक बड़ी सी दीवार बन गई है, ठीक है। वो बड़ी सी दीवार तुम्हें दो चीजों से बचाएगी, एक तो अगर बाहर से किसी ने अटैक किया तो बचा देगी, बगल में नदी में बाढ़ आ गई तो वो दीवार एक तरीके से उसके पानी को रोकने की कोशिश करेगी। फोर्टिफिकेशन बड़ा सा दीवार। अब मैं क्या बोलूं उसका, क्या इंग्लिश बताऊं या क्या हिंदी बोलूं या क्या संस्कृत बोलूं बताऊं? हिंदी तो बोल ही रही हूं, कब से बोले जा रहे हो हिंदी भी है हिंदी भी है, मैं हिंदी में ही बता रही हूं, अजीब ही है। अच्छा, उसके ऊपर आपको और एक जगह मिलेगा जिसका नाम है चहुन्नोदारो। नाम सुनो, चहुन्नोदारो। क्या है चहुन्नोदारो में? चहुन्नोदारो में हमें कोई सिटाडेल नहीं मिला, मतलब ना अपर टाउन था ना लोअर टाउन था, कुछ नहीं था। मतलब वो शहर बस ऐसे ही बना हुआ है, मतलब सारी चीजें कुछ ऐसी बनी हुई है उसमें, मतलब आसपास कुछ नहीं है, ना अपर टाउन ना मिडिल टाउन ना फोर्टिफिकेशन, कुछ नहीं है, बस एक ही जमीन के ऊपर पूरा शहर बसा हुआ है। ओके, और ये भी इंडस के पास ही पाया जाता है। इस एग्जाम्पल से तुम अगर समझ रहे हो, हमारे तीन एक्सेप्शन है। पहला नाम ढोलावीरा, तीन लेयर डिविजन, कोई डिविजन ही नहीं है, और लोथल में दो के जगह एक फोर्टिफिकेशन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपके एक्सेप्शंस भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। गुड इवनिंग मुशर्रत अब्बासी, आई मिस्ड यू टू। भीड़ चाल, देखो भेड़ चाल बंद करिए सब लोग, है ना। एक ने बोल दिया बी, हमें नहीं पता, फिर भी बी लिख दो, मैम को लगेगा हमें सब आता है। नहीं भाई। अच्छा गाइज, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस जो है रखे हैं, बट उसके पहले हमारा एक यूपीएससी का महापैक अभी ऑन है। आप ऑब्वियसली इस महापैक को देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस मिलेंगे विद सीसैट एज वेल, प्री मेंस एंड इंटरव्यू के। अच्छा, इसके साथ वी हैव, जो लोग टेस्टाथॉन दे रहे हैं इस साल की प्रीलिम्स को देख रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग इसको लेते हो। ये हमारा प्रिंटेड टेस्ट सीरीज है जिसको आप देख सकते हो। इसके अलावा वी हैव 26th मई का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ठीक है। सो गाइज, दैट वी कम टू एन एंड विद द सेशन टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑनलाइन, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। बाय बाय।